मालवीय जी को अर्जेंटली मुझे लेके जाना है हॉस्पिटल, क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बहुत पेन हो रहा है उन्हें। तो दोस्तों जा रहे हैं हॉस्पिटल अब, यहाँ पे लगता है काश कोई साथ में होता। Bye. हम भी तो पीछे बैठते, हमें तो उल्टी नहीं आती भैया, मतलब क्योंकि जो रचना को डर है वो ना एक गठन वो दिख रही है। सही कहती है, लड़की आती है तो घर के काम में हाथ बटाती है। देख लो झाड़ू निकाल लिए। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी फैमिली में। वेरी गुड। मम्मी बना रही हैं पराठे। ये नीचे ये लटक गई हैं। उधर वो गीत दी चिच्ची गई तो वो देख वहाँ बैठी हैं, क्योंकि इनको भी वहीं जाना है सबको। दीदी से प्यार जो है फ्रेंड्स, गीत को मैं भेज रही हूँ स्कूल, क्योंकि स्कूल भेजना और मालवीय जी को अर्जेंटली मुझे लेके जाना है हॉस्पिटल, क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बहुत पेन हो रहा है उन्हें और कुछ दिक्कतें हैं, मेरे को लेके जाना है। मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट 12 बजे के लिए, फटाफट से जाना है। रुक जा रुक जा रुक जा। आ गई है। तो निकल रहे हैं हॉस्पिटल के लिए, बिल्कुल समय नहीं मिल रहा है, लेट हो गए हैं। तकलीफ तो यही, बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं यार, इसलिए कहते हैं किसी को। इनको तकलीफ है स्टॉल में बैठने में, इनको गोदी की आदत जो हो गई है। एक ही बच्चे हैं, इतना रो रहा है, पता नहीं मम्मी पापा कहाँ गए थे यार। ड्रेसिंग तो करा रहे थे बेटा, गुस्सा आ जाती है। चलो टैक्सी वाला वेट कर रहा होगा यार, पता नहीं कितनी देर लगती डॉक्टर, आधा घंटे की 20 मिनट। तो दोस्तों जा रहे हैं हॉस्पिटल अब, यहाँ पे लगता है काश कोई साथ में होता, तब भागा भागा, क्योंकि बच्चों को खाना खिलाना बहुत जरूरी होता है। गीत को भेजा, इनका करा काम, बहुत लेट हो गए हैं और मुझे मेरे लिए तो सुबह कॉरिडोर। अब जो भी है, अब नहीं है कोई साथ तो नहीं है वहाँ। मैंने सोचा मेरी गाड़ी से जाऊं, मैं अपने पास कुछ कार रखी है, दूसरों को बोला कि भाई साहब चला लो। अब बात यही होता है, मैं इसलिए किसी से मदद नहीं मांगता कि जरा सा भी जेन्युइन प्रॉब्लम, मुझे कोई मना करते तो अच्छा नहीं लगता है। अब उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है या बच्चा है, एक्सक्यूज देना मुझे समझ में आता है, इसलिए मैंने कहा टैक्सी करके चलते हैं। क्यों ना बैठ के, तभी भी जा रहा हूँ तब भी बैठ के गाड़ी चलाऊँगा, अपनी गाड़ी से जा सकते हैं, रचना वहाँ नहीं। क्यों चले जाते अपनी गाड़ी से, जब अपने मदद नहीं कर रहे अब दूसरों से क्या उम्मीद। हाँ दूसरों से नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि टैक्सी गाड़ी तो अपनी चला सकता था ना, अभी बच्चों को भी पकड़ना बड़ा मुश्किल है यार। चलो क्या कर रहे हैं, इनकी जल्दी जल्दी में हेयर बैंड भी नहीं लगा पाया, ना चोटी करी है, ना तैयार किया है, ना खुद तैयार हुए, रचना नहाई भी नहीं अभी, क्योंकि डॉक्टर ने अपॉइंटमेंट दे दी। बड़ी बात है, नहीं तो हमारे 2 दिन बाद की अपॉइंटमेंट थी। जा रहे हो? घर जा रहा हूँ। बाय। हम भी तो पीछे बैठते, हमें तो उल्टी नहीं आती भैया, मतलब गाड़ी चलाते हैं तो आगे बैठते हैं, उल्टी आ रही पीछे बैठ के, आगे बैठूंगा मैं। वही थोड़ी देर लगा बोलेंगे भाई साहब हट जाओ, मैं गाड़ी चला लेता हूँ, गाड़ी भी मैं ही चलाऊंगा, आपकी गाड़ी जम नहीं थी मेरे को ना। ये आ गए दोस्तों हेडक्वार्टर बिल्डिंग, 3rd फ्लोर पे जाना है। पापा आप पहुंचो जल्दी, फाइल लेके पहुंचो। कहाँ पे है? तो बहुत दूर है यार, मुझे घबराहट हो रहा है, नर्वस हो रहा है, कुछ उल्टा सीना ना बताएं। ये बोलते हैं हील हो रहा है बस, ये ना चाहिए, क्योंकि जो रचना को डर है वो ना हो, एक गठन वो दिख रही, देखते क्या होता है। क्या कर रहा है, क्या कह रही दीदी? दीदी मस्ती करो। तो फ्रेंड्स हम तीनों वेट कर रहे हैं, मालवीय जी का चेकअप हो रहा है। एक्चुअली उनको थोड़ी स्वेलिंग वगैरह आ गई है, वो अब मजबूरी है ना फ्रेंड्स, हमारे साथ कोई है नहीं, उनको बैठना भी पड़ता है। लैपटॉप की फाइनल एडिटिंग कर उनने की, उनका मन भी नहीं मानता, ऑफिस के भी कुछ काम थे
और कोई है नहीं तो बच्चे भाग रहे हैं, मैं किचन में हूँ तो समटाइम्स वो भी भागते हैं। मम्मी थी तब भी उन्हें देखना पड़ रहा था क्योंकि बच्चे उन्हें जानते हैं, तो थोड़ी इश्यूज़ हैं, तो अच्छे से चेकिंग हो जाए फिर और इंस्ट्रक्शन मुझे लेने हैं, ड्रेसिंग इंस्ट्रक्शंस, तो जो भी है सर से बात करनी है। देखते हैं कितना टाइम लगता है, गीत को भी आने का टाइम होने वाला है, है ना बेटा? पापा ठीक हो जाएंगे जल्दी से, टेंशन नहीं लेना है ना, टेंशन नहीं लेते अपन तो। और ये कैसे लगता है भैया? भागो मत, ये बैठो चुपचाप, अभी पापा जाएंगे अंदर तो फिर कैसे मैनेज करेंगे, भागो। चलो भाई वापिस घर जा रहे हैं, पति करता था उसका, हाँ तो कहना, चलो 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 मैं ले लूँ आप, तो चलो चलो चलिए मितवा, आई एम फॉलोइंग योर ऑल इंस्ट्रक्शन मैडम। निकलना है घर, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि आप लोग कहोगे दिक्कत ही दिक्कत बता रहे हैं, क्योंकि वो हमारे साथ चल रहा है यार, हम जान मुझे कोई रोना तो नहीं रोना चाहते हैं। अभी क्या गीत को लेना है, 2:05 हो रहे हैं, 2 बजे स्कूल ख़त्म हो जाता है, फिर भी हमने सर को बोल दिया वहाँ पे कि 2:30 तक रोक लेना, 2:30 तक पहुँच जाएंगे, ऐसा कोई नहीं है, दिक्कत नहीं है ना। बस और क्या, डॉक्टर सर ने क्या बोला है सब रचना बताएगी आपको, क्योंकि मैं बताऊंगा रचना बोलेगी तुम मैनिपुलेट करते हो, तो जो जो है रचना बताएगी, नहीं तो मैं तो चाह रहा हूँ कि भाई कुछ नहीं, डॉक्टर ने बोला सब अच्छा है, क्यों तुम सब अच्छा चल रहा है, कल से ऑफिस भी जा सकते हो, बोल दिया हाफ डे भी जा सकते हो, आज भी जा सकता हूँ, हाँ ठीक है, तो साइकिल चला के जा सकता हूँ, पैदल भाग के जा सकता हूँ मैं, ठीक है, तो ऐसा है रचना बताएगी आपको डॉक्टर ने क्या बोला। तो ये गीत दीदी भी आ गई हैं, गीत दीदी क्या करे स्कूल में? पढ़ाई करी। किराया तो नहीं किया आपने? किया। क्यों? पापा मम्मी नहीं आए थे इसलिए? अरे क्यों किराया किया बेटा, घर ही अब मैडम सर है ना वहाँ पे, तो क्यों रोता है फिर? देखो बेबी उठ गया, ये सो क्यों उठी थी, नहीं मैं कहाँ थी कहाँ आ गई समझ में नहीं पड़ रहा। दोस्तों एक गलती फिर कर दी हमने, हम फाइल भूलिया है जो, हाँ बेटा फाइल भूलिया, बहुत दूर है यार, एक तो चला हम रिसेप्शन, हाँ रिसेप्शन में भूलिया, दूसरी चीज़ें कि अब आना जाना बड़ा बहुत दूर है यार हमारा, हम खुद की गाड़ी से ले आते सही रहता, ज़्यादा में 450 रुपये लगे, आने में 350 रुपये, अब इतने सारे लोग थे भग भग के आ रहे थे गीत के स्कूल के, लेट हो रहे थे इसलिए, वो लगे भी कितने पैसे, 450 जाने में 350 आने में, यार इतने में तो कार से चले जाते हैं, चाबी मेरे पास थोड़ी ना, आपने लगाया, कहते हैं गरीबे में गीला आटा, सर मुड़ाते ओले पड़े, पता नहीं क्या क्या जितने मुहावरे लगा लो, हमारे पास सब कम है यार, अभी इतनी दूर जाना आना हमारे बस के तो नहीं आ रहा, उस फाइल में एक्चुअली में क्या है, सिटी स्कैन है, सोनोग्राफी है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है डिस्चार्ज के वो भी है, प्लस मेडिक्लेम के बिल भी है जो हम लगाएंगे पोस्ट और प्री ट्रीटमेंट के, तो वो भी हैं, बहुत दूर है, आने जाने के 800 रुपये लगे, और सब बच्चों के लिए जाना बड़ा मुश्किल है, पहले मैं रचना से कह रहा था अकेले चले आने मुझे, अकेले पहले जा जाके तो ये कांड किया, मुंह मत खुलवा, मुंह मत, जल्दी करना बेटा, कितना टाइम लगाएगी, क्या करें दोनों, कौन सी डॉक्टरी कर रही हो आंटे के साथ, क्या वो अमित वापिस जा रहे हो, वापिस जा रहे, क्यों जा रहे वापिस, करो ना काम करो, क्या काम कर रहे हो, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हाउस भी आपने ब्यूटीफुल बेटा, दोस्तों कैसे बनाया हमारे गीत ने, सच में आपने बनाया, हाँ लग तो रहे भरा तो, अच्छा भरा अच्छा भरा, चलो जाओ 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 जाओ, तो ऑफिस से काम कर लूँ, ऑफिस आने के बाद रचना जाने तो दे नहीं रही यार, अभी वो तकलीफ तो है बेटा, आप रहने दो पापा कर लें, फिर आपके दिन आएंगे, करना है आपको भी थोड़े दिन, सही कहती है लड़की आती है तो घर के काम में हाथ बटाती है, देख लो झाड़ू निकाल लिए, पहले दीदी ऐसा करती थी, आप मृत दीदी ऐसा कर रही है, सोएंगे सोएंगे बस सोएंगे। तो दोस्तों एक खुशखबरी है कि फाइल मिल गई है, अभी तक घर नहीं पहुंची मकान हमारे, क्यों रचना दादाजी भैया जी मम्मी जी सब याद आ रहे हैं, सब कुछ याद आ रही है, जैसा रखना है ना 100 125 150 हाँ कल ही टेस्ट में।
कुछ अलग। तो दोस्तों कल ही आरओ की सर्विस डेट तो शायद बहुत पहले निकल गई थी, दिवाली के टाइम करवाई थी, नहीं निकली होगी पता नहीं, लेकिन कल टेस्ट अजीब सा आया था पानी में, मुझे लगा बहुत अलग है। मैंने पिया बट फिर मैंने कहा बच्चों के साथ रिस्क क्यों लेना, तो मैंने एक बड़े तपेले में इन तीनों के लिए तो पानी बॉयल करके रख दिया था। मैंने जब जब दिया मालवीय जी को उसी से दिया, बाकी इनने ले लिया हो तो मुझे नहीं पता। तो आज बुलाना पड़ा आरओ वाले भैया को, ठीक कराते हैं, बहुत नुकसान हो रहा है। अब मैं क्या होता हूँ मालवीय जी ज़्यादा जानते हैं। और ये बंदे का प्लीज़ आप लोग समझाओ, ये टिक 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 चलता ही रहता, कभी हमारे लिए, कभी घर के लिए, कभी इसके लिए, ये बंद ही नहीं होता इस बंदे का, चलता रहता है बस। क्या आप ही की बात, क्या बोला डॉक्टर बता दिया। बोला इस आदमी का दिमाग का इलाज कराओ, दिमाग अगर सही होता तो क्या तुझसे शादी करता हूं। ये तो अभी भी यही कह रहे हो, या मैं शादी करता अगर सही होता तुझसे, नहीं तो मैं शादी ही करता। कोई तो खड़ा है तुम्हारे पास में, बाकी तो मुझे कोई दिख नहीं रहा। तुझे दिख रहा क्या, भूत है क्या इतना। देखो दोस्तों अंदर काम चल रहा है, तीनों देख रहे हैं, तीनों लाइन से देख रहे हैं आरओ वाले भैया क्या काम कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, जासूसी चल रही है। तो हमारे बच्चों का तो हो गया खाना, क्या खाया आपने आज? हमारे बच्चों ने भी पापा की तरह दाल दलिया खाया है। दीदी आप भी दाल दलिया खाओगे? हाँ। क्या खाओगे? रोटी सब्जी। रोटी सब्जी, मेरा बच्चा नजर न लगे पापा। बड़ा हो गया ना, स्ट्रॉन्ग कैसे होते दिखा दो, खाना खा के कैसे स्ट्रॉन्ग होते हैं? ऐसे स्ट्रॉन्ग हो रहे, ऐसे ऐसे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं दोस्तों, देख लो ऐसे स्ट्रॉन्ग होते हैं। आपके बच्चे भी नहीं खाते हैं तो बोलो गीत की तरह रोटी सब्जी खाएं। तो मम्मी पहुंच गई हैं गांव, आज उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, उनकी रिपोर्ट आई थी और आज वो वापस गांव ही पहुंच गई हैं। और बहुत याद आ रही थी उनको मेरी भी और बच्चों की भी। उनसे मैंने फिर बोला देख लो जो भी काम है कर लो, आ सको तो आ जाओ क्योंकि यहाँ बहुत प्रॉब्लम है। हमने एक दिन का वीडियो नहीं बनाया क्योंकि सच में बहुत तकलीफ है दोस्तों। अब वीडियो बनाए कि अपनी हम नहीं चाह रहे बार बार तकलीफ बताएं, मगर साला ससुरी किस्मती ऐसा है बाबू, क्या करें, हम कैमरा उठाते हैं हमारे मुंह से रोना ही निकलता है बे। ये भी हम हंसते हंसते उन तकलीफों का सामना करने की पूरी कोशिश करते हैं दोस्तों, है ना। ये वो लोग समझ सकते हैं जो इन ऐसी तकलीफ से निकले होंगे, अकेले लड़े होंगे, उनको बहुत चुभता होगा और वो कमेंट करते भी हैं, है ना। क्योंकि वो एक अच्छा असल पेन को समझ सकते। ओ बाबू क्या हुआ, आप रोते हुए अच्छे थोड़े लगते हो दीदी। देखो हमारी बेगम कितना कर रही बेचारे यार, आज सुबह मेरे हॉस्पिटल भी लेके गई, डॉक्टर के पास लेके गई। आपको दूसरी बीवी चाहिए? वो दो होगी तो अच्छा ही था, इसको ही देखते, इसको ससुरी को समझ ही नहीं आ रहा है बे कि दो होंगी तो तेरा क्या नुकसान है। नुकसान तो मेरा है भाई, सच में मैं तो एक से परेशान हूँ, दूसरे क्या। तो दोस्तों दाल दलिया खाते हैं क्योंकि डॉक्टर ने बोला भैया थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखो, लाइट फ्रेश हो। चलो खाना खा ले फिर बात करते हैं। क्यों रो रहा है तू? अच्छा बैठना नहीं आ रहा, सॉरी रीमित दीदी को बैठना नहीं आता। आ जा छोड़ दो, ऐसा चलता रहता। अब मैं इसमें झुकूंगा, बच्चों को पकड़ूंगा, कमर तो दर्द होगी यहाँ कोई होता। अब तू आएगी जब तक तो बच्चे रो चुके होंगे यार। क्यों हुआ, क्या हुआ दीदी, क्या हुआ? मैं क्या हूं, मैंने खाना तो खाया ना मैंने। दोस्तों ये झुकना उठना भागना एकदम से, बच्चे भागते हैं जब रचना नहा रही होती है, ये गीत को स्कूल की तैयार करी होती है, अब उसमें हम नहीं बता सकते ना। पर उसके वजह से नस हो गई है या स्वेलिंग आ गई है, इसलिए डॉक्टर के पास गए भी थे। क्या करो, और खाएगा पापा के साथ? हमारे मिट्टूड़ी को भैया मीठा पसंद है तो वो दूध दलिया ज्यादा अच्छे से खाती है वो, एज कम्पेयर टू दाल। नाम ही मिठूड़ी मीठा। मेरी मिठूड़ी को मीठा बहुत पसंद है, गाजर का हलवा नहीं खाया एक महीने से मेरी मिठूड़ी ने। अब तो बेटा मूंग दाल का, आपको कौन सा हलवा खाएंगे गर्मियों में? गर्मियों में तो नहीं खाते पापा, अखरोट का बना दूं मैं कल। क्या क्या करेगी, बना दे तो अच्छी बात है। आपकी मम्मी से बोला एक बार रिक्वेस्ट की है, आती है तो अच्छी बात है। चिल्ला चोट करना है, बातें करनी है। ओ बात करती करनी बात। रीत रीत आप ही बोलो, रीत आप कुछ बोलना है आप? तो दुकान खा लिया इधर। क्या दाल लिए खा रही थी, रोटी सब्जी खा रहा था तो तुम? अभी बात हुई है, मेरी मम्मी का भी फोन आया था, मम्मी कही थी कोई है साथ, मम्मी को क्या दीदी ने बताया नहीं अभी, पता चला मम्मी को इतनी लेट। अच्छा,
तो दीदी ने बात कराई तो मम्मी तो आने को, तो मम्मी कह रही आ जाऊँ मैं आ जाऊँ। मम्मी तो कहती है माँ का दिल तो मानता नहीं, लेकिन मम्मी को पता है मैं परेशान हो रही होंगी। मैं भी दीदी से पूछा, दीदी का वैसे तो ठीक है मम्मी, लेकिन मम्मी का तो ऐसे मेरी मम्मी का ध्यान तो रखना पड़ेगा, मतलब ऐसे आप अकेला छोड़ के शायद हम बाहर भी जा पाए तो बहुत देर के लिए नहीं जा सकते, तो मम्मी का ध्यान रखना पड़ता है बहुत सी चीजों में। नहीं बच्चों को नहीं कर सकती वो, ये तो मैंने पहले भी देखा गीत के समय, बच्चे को मम्मी जैसे बच्चे अंदर भग गए तो भग गए मम्मी पकड़ नहीं पाएगी, नहीं आ सकती पकड़। और समटाइम्स मम्मी हाथ से चीजें भी छूट जाती है तो वो और रिस्की है, तो इसीलिए दीदी ने अभी तक मम्मी को नहीं भेजती थी, क्योंकि मम्मी के साथ थोड़ा रिस्क है कभी गिर गए बच्चों या कुछ भी। और कुछ नहीं, मम्मी तो आने को तैयार है कि मैं आ जाऊंगी मेरा ऑटो, और मम्मी को ये भी डर है कि मम्मी वैसी नहीं है कि मतलब ऑटो में बता दे एड्रेस, या मोबाइल भी वैसा नहीं है मम्मी के पास कि ऑटो में बैठ के आ जाए। मम्मी कहती लेने किसी को भेज देना मैं आ जाऊंगी, मम्मी तो मना नहीं कर रही, लेकिन दीदी ने कहा देख ले मम्मी, कुछ मम्मी का ध्यान तो रखना पड़ेगा, तो इसलिए मैं मम्मी को नहीं, देखते हैं एक दो दिन और नहीं संभलता तो फिर मेरी मम्मी को ही बुलाएंगे। बट दीदी इसलिए भी नहीं बोलती कि तेरा और काम बढ़ जाएगा, तुझे मम्मी को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरी मम्मी को देखना पड़ता है, और तबीयत खराब हो तो फिर बहुत ही ज्यादा केयर करनी पड़ती है। तो क्यों गए थे हॉस्पिटल, क्योंकि हमने सोचा बताए नहीं बता देते। डरने वाली बात यह है कि वहां पे स्वेलिंग बढ़ गई थी, और बढ़ तो गई थी, आसपास कह रही है पूरा रेड रेड हो रहा था, एक गठान जो रचना को स्वेलिंग की वजह से दिख रही थी, डॉक्टर ने बाद में क्लियर किया कि वो गठान नहीं स्वेलिंग है, पर रचना को वो गठान दिख रही थी, जिसकी वजह से रचना को डर लगा और दवाई बदल के दी डॉक्टर ने, और ड्रेसिंग करने का तरीका बताया है नया तरीके से करो, क्योंकि शुरू के जो दो या तीन अलग अलग जो आए थे, दो ही आए थे रचना करने वाले ड्रेसिंग, क्योंकि क्या होता है कि वो करने वाले और एक मैं अपनी मैम से पूछ रही थी, तो तीन लोगों के गाइडेंस से वो फिर अलग ही हो रही थी चीज। और दूसरी चीज उन्होंने कहा है कि भाई साहब आप आराम करें, आप इधर उधर ना भागें, ना चलें, ना फिरें, पेन है तो मत करो, जब पेन है तो है ना, उसके बाद अगर आप, फिर मैंने फिर मेरी आदत है ऑफिस का, ऑफिस सही हो जाएगा तो ऑफिस भी चले जाना, क्योंकि ऑफिस में तो सिटिंग जॉब है, 8 घंटे के बैठो कैसे। यहाँ तो मैं कम से कम 2 से 3 बार में सिकाई करता हूँ गर्म पानी से, वो मैंडेटरी सबसे अच्छी चीज होती है इन चीजों में, सिट्स बाथ। कई सब्सक्राइबर्स के भी कॉल आए, दीदी ने भी यही कहा सिट्स बाथ से 80% चीजें आपकी सॉल्व हो जाती है। और दीदी ने कहा कि जो ड्रेसिंग है, ड्रेसिंग है वो हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जो वालों को ही आती है, क्योंकि वो अंदर डालना पड़ता है यार तो अंदर क्या होता है, रुई नहीं क्या बोलते उसको, गौज स्वैप, अरे मैं वो कॉटन नहीं यूज करते, अरे वो अलग आता है, उसमें लिखा है वो पट्टी होती है हिंदी में बोले तो, उसको अंदर दवाई में लपेट के अंदर घाव में लगाना पड़ता है, जिससे कि घाव अंदर से क्या होता है, नहीं तो घाव ऊपर से भरा गया था, मगर उसको ऊपर से नहीं भराना है, उसको अंदर से फिल करना है, तो ऊपर से भरा के अंदर खोखला रह गया तो उसके अंदर पस जम सकता है, एक बड़ी बात थी। तो डॉक्टर पे जाना फ्रूटफुल रहा, डर जरूर गए थे, मुझे भी डर लग गया था कि फीवर वगैरह आए या ऐसा कुछ पस का कुछ लगे तो आपको जल्दी आना है, ठीक है। हाँ एक चीज और, वो फाइल जो आप वहाँ छूट गई थी वो आ गई है, हमारे सोसाइटी के वहाँ पे उनके ऑफिस नियर बाय था, तो उनको बोला तो वो जाके ले आए, तो ये देखो ये एक अच्छा काम हो रहा है, तो हम फिर जाते तो बाप रे बहुत दूर हो जाता फिर, तो वो आ गई है, क्योंकि उसमें चलो दोस्तों, तो एक रात को मैं एक सीट बात बात कहती हूँ, तो क्या सिखाई करता हूँ मैं, तो सीधी बात बोलूंगा, एक सीट बात मात कुछ नहीं सिखाई करूंगा, फिर रचना रात को ड्रेसिंग कर देती है, फिर उसके बाद सोते हैं तो आराम से फिर ब्लीडिंग वगैरह उतनी नहीं होती है।